पिछले क्लास में हमने आपको एंथैल्पी चेंज के बारे में बताया था, हमने ये बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज को हम लोग एंथैल्पी चेंज के टर्म में पढ़ते हैं, बिकॉज एंथैल्पी चेंज के टर्म में स्टडी करना आसान होता है। और आसान होने का कारण यह है कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, और स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होने के कारण आप किसी भी तरीके से अगर एक केमिकल रिएक्शन को कराओगे तो एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी प्रॉपर्टी को, एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसी को यूज करके हम लोग बहुत सारा लॉ पढ़ेंगे, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे डेल्टा एच का, एंड देन आफ्टर वी विल डू सम प्रॉब्लम ऑन दीज कंसेप्ट्स, ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा एच। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली इसी प्रिंसिपल्स, इसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा एच के अराउंड इवॉल्व करता है, मतलब इसी के अराउंड जो भी है, जो भी प्रॉब्लम होगा सब में इसी सब का यूज होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा एच क्या होगा। तो हम लोग आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा एच पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा एच के बारे में पढ़ेंगे। गौर कीजिएगा कि V है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू E प्लस PV। जैसा कि आप जान रहे हो कि E एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है और PV का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होगा, तो बिकॉज उसको NRT लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल, R और टेम्परेचर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब पाथ से। तो सिंस E and PV are a state function and extensive property, extensive मतलब number of mole पे डाके depend करता है, extensive properties, so H enthalpy, H will be also a state function property। H जो होगा वो भी क्या होगा, state function property होगा, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने के कारण एच जो होगा बहुत सारा क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ड्यू टू स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव नेचर ऑफ extensive nature of enthalpy, nature of enthalpy H, it satisfies many properties like, पहला property की बात करते हैं कि अगर दो reaction को add किया जाए तो एंथैल्पी चेंज इन नेट केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दोनों रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसके जोड़ के बराबर होता है। इफ टू और मोर रिएक्शंस आर एडेड टुगेदर देन एंथैल्पी चेंज इन नेट रिएक्शन विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ईच स्टेट। ठीक है, तो पहला ये है कि अगर आपके पास ए टू बी में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन और सी टू डी में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू, तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, बी प्लस डी बनेगा, जिसको कि हम लोग इसमें हम लोग एंथैल्पी चेंज लिखेंगे डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। दो रिएक्शन को अगर हमने ऐड किया तो उसमें एंथैल्पी चेंज भी आपस में जुड़ेगा। सेम तरीके से हम दूसरा एक लिख सकते हैं कि अगर हम दो रिएक्शन को घटाते हैं, ए टू बी में अगर एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन और C टू D में आपका एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2, तो अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो A माइनस C B माइनस D बनेगा, जिसको कि हम लोग A प्लस D से B प्लस C कहेंगे, और जिसमें कि डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 जो होगा एंथैल्पी चेंज होगा। मतलब प्रॉपर्टी पहला हमने ये कहा कि अगर हम दो रिएक्शंस को आपस में ऐड करेंगे तो एंथैल्पी चेंज भी उसमें से उसमें जो होगा वो जुड़ जाएगा।
अगर हम दो रिएक्शन को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एंथैल्पी चेंज भी आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन में, अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करना शुरू करें रिएक्शन में, हम तीसरा कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं कि अगर आपके पास ए टू बी में एंथैल्पी चेंज दिया हुआ डेल्टा एच वन, तो अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो इसमें, कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो रिएक्शन के दोनों साइड, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सिंपली एल इंटू डेल्टा एच वन होगा। और लास्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि अगर ए टू बी में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन है तो बी टू ए में एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, माइनस डेल्टा एच वन होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सारा प्रॉपर्टी हमने बताया वो यही पॉइंट यही है कि अगर आप दो रिएक्शन को ऐड करते हो तो एंथैल्पी चेंज जुड़ेगा, दो रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हो तो एंथैल्पी चेंज घटेगा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ गुना करते हो तो एंथैल्पी चेंज गुना हो जाएगा फाइनल रिएक्शन का, और अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करते हो, उल्टा करते हो, तब एंथैल्पी चेंज माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है एंथैल्पी चेंज का, जो कि इसी कारण से वैलिड होता है, बिकॉज एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए हम इसके अलावा, इस कैरेक्टरिस्टिक के अलावा एक और चीज बता रहे हैं आपको, हेस लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और सबसे बेसिक लॉ भी कह सकते हो, हेस लॉ। देखिए हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ऑल स्टेप्स थ्रू विच नेट केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बराबर होगा। अगर एक केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है और उस केमिकल रिएक्शन को हम पांच स्टेप में करा दें, तो पांचों स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसका समेशन डेल्टा एच नेट के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे होता यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंथैल्पी चेंज इन ए नेट केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ईच स्टेप थ्रू विच नेट केमिकल रिएक्शन हैपन इस लॉ के अनुसार यही होता है कि एंथैल्पी चेंज इन नेट केमिकल रिएक्शन सारा स्टेप जिसके थ्रू वो पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके जोड़ के बराबर होगा। जैसे देखिए, अगर आपका रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट है, रिएक्टेंस टू प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं और इसको हम रिएक्टेंस ए में गए, बी में गए, सी में गए, सी से हम डी में गए और डी से फिर वापस हम इसमें गए, इसका अगर नेट एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नेट इधर है, डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर और डेल्टा एच फाइव, ये सब है, तो पी एफ हमारे पास होगा क्या, डेल्टा एच नेट एंथैल्पी चेंज होगा वो सारे के जोड़ के बराबर होगा, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर प्लस डेल्टा एच फाइव के जोड़ के बराबर होगा। यही कहा जा रहा है एंथैल्पी चेंज के लिए, आपको यही कहा जा रहा है कि किसी भी एक स्टेट में जो एंथैल्पी चेंज होगा, एक नेट रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सारे स्टेट में जो एंथैल्पी चेंज है उन सब के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, यही हेस लॉ है। देखिए हेस लॉ जो होता है सबसे बेसिक लॉ है, हेस लॉ सबसे बेसिक लॉ है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं,
थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल को सॉल्व करते हैं। इस प्रिंसिपल को हम लोग हमेशा यूज करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और डेल्टा एच को हमेशा यूज करेंगे। देखिए टर्म में जो हम आपको और बताते हैं उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और डेल्टा एच एंड हेस्लॉ पे बेस्ड। एक टर्म होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, जिसको कि हम लोग डेल्टा एच नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच नोट। देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है यहां पर 1 atm प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब यहां पर 1 atm प्रेशर होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन इसको कि हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm होता है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। जनरली आप सवाल में होंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा एच नोट लिखा रहता है, तो डेल्टा एच नोट का मतलब सिंपली यही है कि हम लोग एंथैल्पी चेंज एट 1 atm कंसिडर कर रहे हैं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज करते हैं, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm पे जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कहेंगे। अब हेस्लॉ पे बेस्ड और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा डेल्टा एच का, उस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंथैल्पी चेंज फॉर 2B प्लस 3H2 गैस सॉलिड है या बोरोन, और दोनों मिलकर के B2S6 बना रहा है गैस, इफ ये दिया हुआ है कि बोरोन को अगर आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो B2O3 बनेगा, 3/2O2 गैस है यहां पर, बोरोन सॉलिड है 2। उसके बाद जो आपके पास B2S6 है गैस, उसको अगर आप जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो आपको बनेगा B2O3 सॉलिड और प्लस 3H2O गैस। जैसा कि दिख रहा होगा आपको कि 3O2 का रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज 3 3 6 है यहां पे, और फिर दिया हुआ है आपको कि H2 को अगर आप हाफ ऑक्सीजन के साथ जलाते हो तो आपको बनेगा क्या, H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड को अगर आप H2O गैस बदलते हो तो क्या होगा, सबका एंथैल्पी चेंज, दूसरा तीसरा चौथा सभी का एंथैल्पी चेंज आपको दिया हुआ है, जो कि हम आपको दिख करके मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सबका एंथैल्पी चेंज मेंशन किया हुआ है -1275 किलो जूल, -2035 किलो जूल, और दिस वन इज इक्वल टू -286 किलो जूल, और दिस वन इज इक्वल टू 44 किलो जूल, ठीक है। दिस इज द डेटा गिवन और आपको उसका एंथैल्पी चेंज निकालना है। देखिए ये सबसे कॉमन सवाल है थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री में 90% सवाल इसी तरह का रहेगा कि बहुत सारे रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दे देगा और एक पार्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछेगा। ये अलग बात है कि यहां पर डायरेक्ट दे दिया गया है, आगे जाकर के हम इसी को बोलेंगे बताइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन B2S6 का क्या होगा, बिकॉज ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन ही है। एंथैल्पी ऑफ कंबसन बोरोन का, एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ हाइड्रोजन का, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड का, ये सब दे करके आपको पूछा जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2S6 क्या है। मतलब जो हम आपको एक्सप्रेशन, जो हम आपको इक्वेशन फॉर्म में ही दे दे रहे हैं उसको आपको लैंग्वेज फॉर्म में देगा। उस केस में आपको सबसे पहले लैंग्वेज को यूज करके पहले केमिकल रिएक्शन इन बैलेंस फॉर्म लिखना होगा, और फिर उस केमिकल रिएक्शन इन बैलेंस फॉर्म से आप फिर क्या करोगे, हेस्लॉ अप्लाई करके, कैरेक्टरिस्टिक और डेल्टा एच अप्लाई करके जो नेट केमिकल रिएक्शन आपको लाना है उसका एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सवाल ये कि हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे, तो देखिए प्रोसीड करने का तरीका यही है कि आप पहले ये देखो कि आपको लाना क्या है, 2 बोरोन 3H2 B2S6, ठीक है।
अब आप ऐसे पार्टिकुलर स्पेसेस को चूज करो जो लाना वो सिंगल जगह पर डेंट है, बोरोन सिंगल जगह पर डेंट है, दिख रहा हो बोरोन सिंगल जगह पर डेंट है, इवन B2S6 भी सिंगल जगह पर डेंट है, इवन H2 भी सिंगल जगह पर डेंट है, ये सब कुछ दिख रहा है आपको। आपको बोरोन हाइड्रोजन और B2S6 लाना है, बोरोन B2S6 और H2 सब सिंगल जगह पर डेंट है। अब देखिए अगर इसको हमको लाना है तो हमको देखिए 2 बोरोन चाहिए और पहला में दिया हुआ है 2 बोरोन, तो 2 बोरोन चाहिए तो हमको पहला सीधा सीधा हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। और B2S6 1 मोल चाहिए, आपको साफ देखेगा कि 1-2 करना होगा तब जाके B2S6 इस साइड आएगा और B2O3 कैंसिल भी कर जाएगा जो आपको रिक्वायरमेंट है। और अगर आप सोच पा रहे हो तो ये भी आपको समझ में आएगा, पहले हम बेसिकली इसको लिख देते हैं और बारी बारी से हम करेंगे। पहले दिन 2B सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस B2O3 सॉलिड, बारी बारी से कर ले रहे हैं, और B2S6 गैस को हमने 3O2 के साथ ट्रीट किया, गैस के साथ बनाया B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैस। अगर आप घटाओगे तो आप देखोगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपका 2 बोरोन सॉलिड और ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में होगा तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि 3H2O इधर आ जाएगा गैस, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा B2S6 गैस और प्लस 3/2O2 गैस, ये आया। अब गौर कीजिएगा कि आपको लाना क्या है, आपको यहां 3H2 लाना है ना कि 3H2। H2 आपको दिख रहा है थर्ड रिएक्शन में है, H2 आपको दिख रहा होगा थर्ड रिएक्शन में है, तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 3 टाइम्स लाना है तो हम क्या करते हैं 3×3 कर देते हैं, तो आपको देखोगे 3H2 आ जाएगा गैस प्लस 3/2O2 आ जाएगा गैस और बन जाएगा 3H2O लिक्विड। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आप देखोगे 3/2O2 कैंसिल, 2B सॉलिड अब प्लस 3H2 गैस अब प्लस 3H2O गैस। इसमें याद ये रखना है कि फेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, फेज आप जो गैस है उसको गैस लिखोगे, जो सॉलिड है वो सॉलिड, जो लिक्विड है उसको लिक्विड लिखोगे। अब देखिए गौर कीजिएगा, जो नेट रिएक्शन हमारे पास आया उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि 3H2O गैस और 3H2O लिक्विड एक्स्ट्रा है, तो अगर हम इस रिएक्शन में अब क्या करते हैं 3H2O लिक्विड को आपको हटाना है तो प्लस क्या करते हैं हम, इसमें हमने प्लस किया था ये प्लस, हम इसमें 3×4 कर देते हैं, तो 3×4 करोगे तो आपके पास आएगा 3H2O लिक्विड इस साइड और 3H2O गैस इस साइड। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हो, दिस रिएक्शन और दिस रिएक्शन को, हमने उधर लिखा बिकॉज यह जगह हमारे पास नहीं है, 3H2O लिक्विड को अगर जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 3H2O गैस को अगर आप जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपली बचेगा 2 बोरोन सॉलिड प्लस 3H2 गैस गिव्स क्या B2S6 गैस। तो अल्टीमेटली आपको यही स्टेप फॉलो करना पड़ा है, यह आपने किया क्या, डेल्टा H1 मतलब 1-2 प्लस 3×3 प्लस 3×4, तो डेल्टा H विल बी सिंपली इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 प्लस 3×डेल्टा H3 और प्लस 3×डेल्टा H4, यही आपको करना होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज हम आपको पहले ही बताए थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा H में कि जो चीज आप रिएक्शन के साथ करोगे वही आपको करना होगा एंथैल्पी चेंज के साथ, जोड़ोगे तो जुड़ेगा, घटाओगे तो घटेगा, गुना करोगे तो गुना होगा, रिवर्स करोगे तो माइनस होगा, तो एवरीथिंग जो आप केमिकल रिएक्शन के साथ कर रहे थे वही एंथैल्पी चेंज के साथ हो रहा था। तो हमने क्या किया, गिवन रिएक्शन से जो भी रिएक्शन हमको दिया हुआ है उसकी मदद से हमने क्या किया, नेट केमिकल रिएक्शन को लाने का प्रयास किया, और नेट केमिकल रिएक्शन लाने में जो हमको करना पड़ा है केमिकल रिएक्शन के साथ, हम घटाए हो, जोड़े हो, गुना किए हो कुछ, वही चीज एग्जैक्टली डेल्टा H के साथ करना होगा। आपको डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 पता है, और इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा प्लस 36 किलो जूल, और आंसर हमें याद है इसलिए हमने लिख दिया है, तो प्लस 36 किलो जूल आपको याद बन जाएगा। जैसा कि आप समझ लो कि डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है, डेल्टा H3 है और डेल्टा H4 है, ठीक है, तो ये सब डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 का वैल्यू पुट करोगे
आपको डेल्टा एच का वैल्यू 36 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन को आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा एच। ठीक है, अब देखिए इस वजह से हम एक और सवाल करवाते हैं आपको, इस तरह से सवाल है दिया हुआ कि फाइंड डेल्टा एच फोर 2N2 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स N2O5 गैस, 2N2O5 गैस इफ, पहला दिया आपको कि H2 गैस हाफ O2 गैस के साथ रिएक्शन करके H2O लिक्विड बना रहा है और इसमें आपको डेल्टा एच वन मेंशन किया गया है, डेल्टा एच वन है -285.8 किलो जूल। दूसरा जो है N2O5 गैस जो है H2O लिक्विड के साथ है और ये रिएक्शन किया है, बनाया है 2HNO3 लिक्विड, जो कि डेल्टा एच टू इसमें दिया गया है -76.6 किलो जूल। तीसरा अगर हम बात करें तो आपके पास है हाफ इंटू गैस और प्लस 3/2O2 गैस और प्लस हाफ H2 लिक्विड सॉरी गैस गिव HNO3 लिक्विड, जिसमें डेल्टा एच थ्री दिया हुआ है -174.1 किलो जूल। तो इसी की मदद से आपको कैलकुलेट करना है कि एंथैल्पी चेंज इन दिस रिएक्शन क्या होगा। तो फिर आपको यही ध्यान रखना है कि आपको लाना क्या है और दिया हुआ क्या है। देखिए गौर कीजिए, आपको लाना है 2N2 प्लस 5O2 गिव्स N2O5। अब गौर कीजिए कि N2 कहां दिख रहा है, N2 यहां दिख रहा है और कहीं दिख रहा है N2, और कहीं N2 नहीं दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि N2 यहीं से लाना होगा हमको, बेसिकली 2N2 है यहां, हाफ N2 है, तो क्या करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे थर्ड रिएक्शन को। ठीक है, ये श्योर है, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया थर्ड रिएक्शन को ताकि हम N2 को ला सकें। अब देखिए N2O5 सिर्फ यहीं पे है और कहीं N2O5 नहीं है और आपको लाना है 2N2O5 उस साइड, तो आप माइनस में करोगे 2N2 रिएक्शन 2। तो अगर आप इसको करते हो तो हो जाएगा 2N2 गैस, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6O2 गैस और प्लस 2H2 गैस गिव्स कितना, 4HNO3 लिक्विड। और इसमें हमने घटा दिया है क्या, 2N2O5 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स क्या, 2H2 लिक्विड गिव्स क्या 4HNO3 लिक्विड। अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो रहा है, आपके पास बचेगा 2N2 गैस प्लस 2H2 गैस प्लस 6O2 गैस गिव्स क्या हो जाएगा 2N2O5 गैस और प्लस 2H2O लिक्विड। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि H2O लिक्विड वगैरह एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमको H2O लिक्विड हटाना है, तो H2O लिक्विड हटाने के लिए आपके पास डेटा दिया हुआ है क्या 1। अब गौर कीजिएगा, 2 H2O लिक्विड हटाना है, 2 हाइड्रोजन मिटाना है, तो आप क्या करोगे -2×1 कर लेंगे हम, तो आपके पास हो जाएगा 2H2 गैस प्लस 1O2 गैस हो जाएगा 2H2O लिक्विड। अब अगर इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको आसानी से पता चल रहा होगा माइनस 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 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया और ये घटेगा तो बन जाएगा 2N2 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स कितना 2N2O5 गैस। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि फाइनल रिएक्शन में क्या प्रोसेस करना होगा, इतना करना पड़ा और इतना करना पड़ा है। तो डेल्टा एच जो फाइनल में होगा होगा 4×ΔH3 -2×ΔH2 और -2×ΔH1। तो ये जो है एंथैल्पी चेंज है इन ईच स्टेट, एंथैल्पी चेंज इन नेट स्टेट, जो नेट रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज निकालना था वो हमने जो अदर रिएक्शन एंथैल्पी चेंज का दिया हुआ है उसकी मदद से नेट रिएक्शन में हमने एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह से हम लोग हेस लॉ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा एच अप्लाई करके बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं, बनाएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, हेस लॉ सबसे बड़ा प्रिंसिपल है बिकॉज इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, हालांकि बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, ये बात भी है, सबसे सिंपल भी है लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होने के कारण ये इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल हम इसी तरह का देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेट डेल्टा एच फोर
N2H4 गैस, N2H4 लिक्विड प्लस O2 गैस गिव्स N2 गैस और प्लस 2H2O लिक्विड। इसका निकालना है, दिया हुआ है कि पहला 2NH3 गैस प्लस 3N2O गैस गिव्स 4N2 गैस और प्लस 3H2O लिक्विड। अब इसको कैलकुलेशन नहीं करते हम, डेल्टा H1 मान लेते हैं सिंपली। दूसरा दिया गया है N2O गैस प्लस 2 गैस दे रहा है N2 गैस और प्लस H2O लिक्विड, इसमें डेल्टा H2 दिया गया है। तीसरा रिएक्शन दिया हुआ है 2NH3 गैस प्लस 1/2 O2 गैस, आपको इसको रिएक्शन करवा करके आपको मिल रहा है N2H4 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, डेल्टा H3 दिया गया है। और चौथा रिएक्शन दिया है H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, इसमें दिया डेल्टा H4। तो जो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4 है, इसी की मदद से आपको क्या करना है, डेल्टा H इननेट केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना है। देखिए हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हमारे पास है N2H4 लिक्विड, हमारे पास है N2H4 लिक्विड, लाना है हमको O2 लाना है, N2 लाना है, H2O लाना है। तो देखिए आपको प्रोसीड वैसे स्पेसिस के साथ करना है जो गिवेन रिएक्शन में सिंगल जगह पर जाएंगे। जैसे कि प्रॉब्लम ये होगा अगर मोर देन वन जगह जो प्रेजेंट होगा उससे आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे क्या करना। जैसे H2O को लेके चलोगे, H2O हर में है तो कैसे पता चलेगा किसको क्या करें। लेकिन अगर जो सिंगल जगह प्रेजेंट है उसको लेके अगर आप चलते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या करना। जैसे देखिए N2H4 आपको एक सिंगल जगह प्रेजेंट है और लाना है इस साइड, दिया है उस साइड, इसका मतलब है कि -3 तो होगा, 1 मल्टीप्लाई है, इसलिए कुछ नहीं करने का जरूरत है, गुना भाग, लेकिन माइनस होगा बिकॉज आपको उधर ले जाना है। अब गौर कीजिएगा, अगर आप इसको करते हैं माइनस तो NH3 इधर आ जाएगा, NH3 कहीं रिएक्शन में दिख रहा है तो NH3 को आपको कैंसिल आउट करना होगा। NH3 को कैसे कैंसिल आउट करोगे, NH3 को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग 1 का हेल्प लेंगे, तो हम लोग 1 - 3 करेंगे सबसे पहले। ऐसा करने पर आपको देखिए, एक तो जो डिजायर्ड है जो आपको चाहिए वो आ गया, और जो आपको अनवांटेड है NH3 कहीं रिएक्शन में नहीं है, नेट रिएक्शन इसको निकालना है, वो भी आपका हट गया। तो हम लोग इस दोनों को करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो आप देखो हम करते हैं डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको आ जाएगा N2H4 लिक्विड, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि अगर हम घटाएंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा, -1/2 O2 होगा जो उधर चला जाएगा, और ये +2H2O रहेगा, +3N2O गैस रहेगा, और उसके बाद हो जाएगा इससे इधर आया तो ये -1/2 O2- इधर चला जाएगा और हो जाएगा कितना 4N2 गैस +2H2O लिक्विड, एक घटेगा और +1/2 O2 गैस, इस तरह से इधर प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास ΔH1, ΔH2, ΔH3, ΔH4 पता है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग जो N2O है, उसको हटाते हैं, बिकॉज आपको N2O कहीं रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो N2O को हटाना है हमको। तो N2O को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखो रिएक्शन 2 का हेल्प लेंगे, रिएक्शन 2 में N2O है, यहां पर N2O एक एक्स्ट्रा आ चुका है, तो हम क्या करेंगे -3×2 कर देंगे, तो 3N2O गैस कैंसिल हो जाएगा, N2O गैस, 3H2 गैस गिव्स क्या 3N2 गैस और प्लस 3H2O लिक्विड। तो अगर आप घटाओगे इसको देखोगे ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा N2H4 लिक्विड, माइनस है ये 3H2 तो माइनस उधर चला जाएगा, और देखिएगा आपके पास -1H2 होगा, -1H2 होगा तो -1H2 इधर आ जाएगा, तो H2O लिक्विड इधर हो गया और इधर हो गया N2 गैस प्लस H2 हट चुका है प्लस 3H2 इधर आ गया प्लस 1/2 O2 ये आपके पास आया। अब गौर कीजिएगा आपके पास कि आपने N2H4 लाया, H2O लिक्विड इस साइड आ गया जबकि N2H4 लिक्विड उस साइड आना चाहिए,
H2 वगैरह जो है एक्स्ट्रा आ रहा है उधर आपको H2O आना चाहिए। तो आप क्या करोगे तो आपको जो है H2O उधर दिखेगा। आप गौर कीजिएगा आपको एक H2O इधर है, आपको लाना 2H2O उस साइड, मतलब हम अगर 3H2O उस साइड जोड़ दें तो आ जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं प्लस 3 × 4 कर देते हैं, मतलब 3H2 गैस और प्लस 3/2O2 गैस गिव 3H2O लिक्विड। तो आप गौर कीजिएगा कि अगर हम इसको जोड़ते हैं तो H2S2 कैंसिल हो जाएगा, N2H4 लिक्विड और प्लस 3/2O2 और हाफ O2 कैंसिल होकर के बचेगा सिंगल O2 और ये हो जाएगा N2 गैस और प्लस 1H2 और 3H2O बच जाएगा 2H2O लिक्विड। तो देखिएगा आपके पास जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो आ चुका है, जो डिजायर्ड रिएक्शन है वो आ चुका है। तो हमने बहुत सिंपली यही सोचा कि क्या रिएक्शन में लाना है और क्या रिएक्शन में हटाना है। जो हम लोग को डिजायर्ड रिएक्शन था उसमें क्या हम लोग को लाना है और क्या हटाना है, इसी को सोच करके हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच थ्री और माइनस थ्री डेल्टा एच टू और प्लस थ्री डेल्टा एच फोर। तो यही जो होगा एंथाल्पी चेंज इन नेट केमिकल रिएक्शन होगा। तो यही जो है पूरे थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हेस्लो ही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा एच ही। आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा एच को यूज करके बहुत सारा सवाल बना सकते हो जो कि आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। आप इस पार्ट को समझ रहे हो थर्मोकेमिस्ट्री आपके लिए सबसे आसान चैप्टर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा एच पढ़ा, हेस्लो पढ़ा। अब देखिए एक और लॉ होता है किरचॉफ्स लॉ, हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते होगे फिजिक्स में, लेकिन यहां भी एंथैल्पी के लिए भी किरचॉफ्स लॉ है। देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, हेस्लॉ की मदद से हम एक केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता करते थे अगर अदर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया सेम टेम्परेचर पर। गौर कीजिएगा अलग अलग रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज की मदद से हम लोग अलग रिएक्शन का एक डिफरेंट रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता करते थे एट सेम टेम्परेचर। किरचॉफ्स लॉ की मदद से हम लोग सेम केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। अंतर समझ में आया, हेस्लॉ से सेम टेम्परेचर पे अलग अलग केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता चलता था, कुछ का दिया रहता था कुछ का हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग करके हम लोग निकाल रहे थे। अगर आपको सेम केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अलग अलग टेम्परेचर पे निकालना है इसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करना होता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ With the help of Kirchhoff's law, delta H for the same chemical reaction, delta H for the same chemical reaction is calculated. Delta H for the same chemical reaction is calculated at different chemical reaction, at different temperature. डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर सेम केमिकल रिएक्शन का हम लोग एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे। हेस्लॉ में अलग अलग रिएक्शन से हम लोग किसी पार्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सेम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर सेम रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अलग अलग टेम्परेचर से करेंगे। जैसे कि बनाते हैं माल या रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स आपका रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच टी वन आपको पता है ये नोन है और रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट आपको निकालना है इसी रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट में डेल्टा एच टी टू क्या है आपको पता है, डेल्टा एच टी टू आपको निकालना है, ठीक है। सेम रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अलग अलग टेम्परेचर पे अगर निकालना हो तो किरचॉफ्स लॉ का यूज करना होगा। अब ये समझा रहे कैसे आप करोगे, तो आप क्या करो कि रिएक्टेंट्स को पहले क्या करो कांस्टेंट प्रेशर पर, गौर कीजिएगा कांस्टेंट प्रेशर पर हमने क्या किया रिएक्टेंट को, डेल्टा क्यू रिएक्टेंट को हमने क्या किया कांस्टेंट प्रेशर पर
T2 टेम्परेचर से T1 टेम्परेचर पे ले गए। गौर कीजिएगा कि अगर हम डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो ये इंथाल्पी चेंज ही होता है जो आप पहले पढ़ चुके हो। डेल्टा क्यू एट पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी है, लेकिन डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर एक स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी होगा। फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट किया T1 टेम्परेचर प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट को फिर फाइनली क्या किया आपने, प्रोडक्ट को फिर फाइनली क्या किया, डेल्टा क्यू प्रोडक्ट को आपने फिर फाइनली क्या किया, T1 से T2 टेम्परेचर पे ले गया। तो अल्टीमेटली आपको अगर जो एंथैल्पी डायग्राम दिख रहा होगा तो ये दिख रहा होगा कि दिस विल बी इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। तो ये आपको साफ दिख रहा होगा फ्रॉम एस लॉ यहां पे एप्लीकेबल है। एस लॉ क्या होगा, डेल्टा एस T2 दिस वन नेट केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सभी स्टेट के एंथैल्पी चेंज के जोड़ के बराबर है। तो डेल्टा की रिएक्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा एच T1 और प्लस डेल्टा क्यू प्रोडक्ट एट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो डेल्टा क्यू डेल्टा एच T2 जो होगा डेल्टा क्यू रिएक्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस डेल्टा एच T1 प्लस डेल्टा क्यू रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें डेल्टा एच T2 विल बी इक्वल टू, अब गौर कीजिए रिएक्टेंट्स को आपको T2 से T1 पे ले जाना है, तो आपको समेशन करना होगा I ओवर रिएक्टेंट और डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है NiCpI डेल्टा T, कहां से कहां तक, T2 से T1 तक। तो फाइनल टेम्परेचर आपका T1 है, इनिशियल टेम्परेचर आपका T2 है, और प्लस डेल्टा एस T1 हो गया, और प्लस इसको अगर आप करते हो सिग्मा आप करोगे G ओवर प्रोडक्ट और हो जाएगा NjCpJ और क्या होगा T2 माइनस T1। यहां पे गौर कीजिएगा T1 से T2 पे ले आ रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा T2 माइनस T1 होगा, वहां पे T2 माइनस T1 आ चुके होगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपके पास होगा डेल्टा एस T2 माइनस डेल्टा एस T1 विल बी इक्वल टू सिंपली आप कर सकते हो T2 माइनस T1 कॉमन ले लेते हैं, और इधर आप देखोगे ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा ओवर जे जो प्रोडक्ट है NjCpJ माइनस सिग्मा ओवर I ओवर रिएक्टेंट NiCpI, ठीक है। तो यही जो है आपका हेस्लो का फॉर्मूला है, मतलब हेस्लो का फॉर्मूले से आपने किर्चॉफ्स लॉ का फॉर्मूला निकाला, नॉट हेस्लो का फॉर्मूला। अल्टीमेटली आप देखोगे इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू, बहुत सिमेट्रिक फॉर्म है। एनसीपी आप करोगे किसका, प्रोडक्ट का, माइनस एनसीपी करोगे किसका, रिएक्टेंट का। समेशन करना ऑब्वियसली बात है, सारे प्रोडक्ट सारे रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम, तो समेशन ओवर प्रोडक्ट माइनस समेशन ओवर रिएक्टेंट, तो एनसीपी प्रोडक्ट माइनस एनसीपी रिएक्टेंट के बराबर होगा। यही जो है आपका किरचॉफ्स लॉ है इन थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में किरचॉफ्स लॉ की मदद से सेम केमिकल रिएक्शन का अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एक सवाल भी देंगे और इसको एक एग्जांपल से भी कराते हैं। जैसे देखिए अगर आपको दिया हुआ है कोई रिएक्शन, मान लिया आपको दिया हुआ है 2N2 है और प्लस O2 गैस, और इससे आप बना रहे हो 2N2O गैस, इसको आपको दिया हुआ है डेल्टा एच T1 पता है नोन है और डेल्टा एच T2 निकालना है, तो फॉर्मूला होगा ये डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट। तो एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट मतलब 2 इंटू प्रोडक्ट का, देखिए हम पहले लिख लेते हैं एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनसीपी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनसीपी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा कितना 2 इंटू CP ऑफ N2O माइनस एनसीपी ऑफ रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू CP ऑफ N2 और प्लस 1 इंटू CP ऑफ O2, ठीक है। यही जो होगा रिएक्टेंट्स का होगा, ये प्रोडक्ट का होगा और ये रिएक्टेंट्स का होगा, ठीक है। तो डेल्टा एस T2 माइनस डेल्टा एस T1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है।
एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट मास, एनसीपी ऑफ रिएक्टेंट, बहुत आसान सवाल है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लिया हम आपको एक सवाल देते हैं इसलिए बेस्ट कि फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन एन टू प्लस थ्री एच टू गैस दिया हुआ है 2NH3, डेल्टा एच 300 केल्विन पे दिया है कि 400 किलो जूल है, मान लो किलो जूल है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट डेल्टा एच एट 600 केल्विन इफ सीपी ऑफ एन टू दिया हुआ है 32 जूल पर मोल पर केल्विन, सीपी ऑफ एच टू दिया हुआ है 82 किलो जूल पर मोल पर केल्विन और सीपी ऑफ एनएफ दिया हुआ है 40 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमने आर्बिट्री सेट कर दिया है डेटा और उसके आधार पे आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। देखिए तो डेल्टा एच 600 T2 माइनस डेल्टा एच T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट। एनसीपी ऑफ प्रोडक्ट आप देखिएगा क्या है, 2 इंटू सीपी ऑफ NH3 प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का एनसीपी, तो 1 इंटू सीपी ऑफ किसका N2 का और प्लस 3 इंटू सीपी ऑफ H2 का, ठीक है। तो आपके पास देखोगे क्या होगा, डेल्टा एच 600 माइनस डेल्टा एच 300 में कितना दिया हुआ 400 किलो जूल, 400 किलो जूल डिवाइडेड बाय कितना होगा 300, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू सीपी ऑफ NH3, 2 इंटू सीपी ऑफ NH3 मतलब हुआ 64 और माइनस 1 इंटू सीपी ऑफ N2 सॉरी NH3 का नोट 64 NH3 का आपको 40 दिया हुआ है तो हो जाएगा 80 और माइनस 1 इंटू सीपी ऑफ N2 32 और प्लस 3 इंटू 82, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो ये जूल में आ रहा है, किलो जूल में दिया हुआ, ये जूल में आ रहा है, सब ध्यान रखिएगा। गुना कीजिएगा NH3 आपके पास आसानी से कैलकुलेशन करके डेल्टा एच है 600 केल्विन कैलकुलेट कर पाओगे आप, ठीक है। तो यही किरचॉफ्स लॉ है, इसके मदद से आप देख सकते हो कि अगर आपको एक टेम्परेचर पे दिया हुआ डेल्टा एच तो अदर टेम्परेचर पे आप डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको सीपी वैल्यू सबका दिया हुआ बाय यूजिंग फॉर्मूला दिस वन। ये आपका फॉर्मूला है किरचॉफ्स लॉ का, डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 विल बी इक्वल टू डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 विल बी इक्वल टू एनसीपी प्रोडक्ट्स माइनस एनसीपी रिएक्टेंट्स, ठीक है। इस तरह से हमने जो बेसिक प्रिंसिपल है एंथैल्पी चेंज का, एंथैल्पी चेंज का प्रॉपर्टी, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, हेस लॉ, किरचॉफ्स लॉ फिनिश कर लिया है। अगले क्लास से हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।